हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देवगुरड़िया पहाड़ स्थित श्री श्री 1008 नरसिंहपुरी डेरा गंगा धाम में नवकुंडिया श्री शतचंडी यज्ञ का आयोजन ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 नरसिंहपुरी महाराज की कृपा से 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हो रहा है। आश्रम व श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महंत श्री विभूतिपुरी महाराज ने बताया कि यज्ञ के लिए यज्ञशाला का निर्माण अंतिम दौर में है। यज्ञशाला का निरीक्षण हरियाणा रोहतक से पधारे महंत श्री कमलपुरी महाराज ने किया। इस अवसर पर महंत जी ने यज्ञ के आमंत्रण का विमोचन भी किया। भक्त मंडल के लखन यादव ने बताया कि महंत श्री विभूतिपुरी महाराज के पावन सानिध्य में 2 अप्रैल से नवकुंडी श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। 9 दिवसीय आयोजन होगा जिसमें देश के सुख समृद्धि के लिए यज्ञ में आहुतियां दी जाएंगी। यज्ञ में पूरे देश भर से साधु संत इसमें सम्मिलित होंगे। चंडी महायज्ञ यहां पर होने जा रहा है सनावदिया में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा आयोजन है और किस तरह से यज्ञशाला का निर्माण हुआ? बोलो श्री गुरुदेव दत्त भगवान की जय। हमारे अनंत विभूषित संत विभूतिपुरी जी महाराज हमारे शिष्य लगते हैं। हम हरियाणा रोहतक से हैं। महाराज जी का भाव था कि नवरात्रि में शतचंडी यज्ञ नौ कुंडिया बना करके बौद्ध भाव से यहाँ बड़े बड़े संतों का आयोजन करने की महाराज की इच्छा हुई और महाराज ये सब करवा रहे हैं। बाकी महाराज जी आपको बताएंगे। गुरु जी बताएं, जो शतचंडी महायज्ञ हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, क्या उद्देश्य है इस यज्ञ का? मान सम्मान के योग देवगुराड़िया ग्राम सनावदिया यहाँ की पवित्र भूमि पर आज के युग को देखते हुए अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार, अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ सब प्रकार को समाप्त करने के लिए ज्ञान यज्ञ शतचंडी महायज्ञ सभी जीव प्राणियों की उद्धार के लिए नागा बाबा विभूतिपुरी अपने तपोबल से यहाँ एक प्रकार का अच्छा सुयोजन यज्ञ करवा रहे हैं ताकि इलाके में शांति सम्मान और सद्भावना की आशा बनी रहे। इलाके मैं श्री महंत बद्रीगिरी रोहतक से रोबितपुर के सानिध्य में यहाँ आकर के यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। हाँ गुरु जी बताएं। ये निस्वार्थ ये सब चंडी यज्ञ कराया जा रहा है, इसमें कोई खेद नहीं है। किस तरह का? इसमें सारे संत महात्मा जितने भी हैं भक्त जन सबको आमंत्रित किया जा रहा है। दिनांक 2 अप्रैल से लेकर के दिनांक 11 अप्रैल तक ये कार्य चलते रहेगा और विशाल भंडारा होगा। क्या जा रहा है, क्या किस तरह का यज्ञ हो रहा है, कितने कुंडली यज्ञ है और कौन सा क्या नाम दिया यज्ञ? ओम नमो नारायण। ये नौ कुंडात्मक यज्ञ है और इसमें ये निर्माण सभी विभूतिपुरी बाबा जी के भक्तों ने उनकी सानिध्य में अपने हाथों से निर्माण करा है। इसका निर्माण बिना कील बिरंजी के हुआ है, जो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से हुआ जाता है उस प्रकार के धुने बनाए गए हैं। सभी 9 ही धुने अलग प्रकार के बने हैं और 9 ही धुनों पे आहुतियाँ चलेगी। सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक आहुति का समय, फिर दोपहर 2:30 से 5 बजे तक आहुति का समय है और 2 तारीख से 11 तारीख तक ये कार्य प्रारंभ रहेगा। महाराज श्री की क्या मूल भावना रही है? महाराज श्री की मूल भावना ये है कि जन कल्याण के लिए महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, जीव जंती विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ कराना चाहते हैं जी। कहाँ कहाँ से संत महात्मा इसमें? इसमें देश विदेश से संत महात्मा आ रहे हैं, पूरे भारत वर्ष से और विदेश से भी संत महात्मा अभी भी आए हुए हैं और आ रहे हैं।